एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज आपके लिए जो रीडिंग मैं करने वाली हूँ वो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट हो सकती है, क्योंकि आज मैं मैसेजेस लेने वाली हूँ यूनिवर्स की तरफ से कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या आप कर सकते हो, क्या आप नहीं कर सकते हो, कहाँ पर आपकी एनर्जी सही तरीके से काम कर रही है, कहाँ पर आप स्टक हो। तो ये यूनिवर्सल मैसेज आज मैं लेने वाली हूँ। और यहाँ पर मैंने रखे हैं दो ब्यूटीफुल रूनस। रूनस मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और बहुत जल्द मैं इसका कोर्स भी लेकर आ रही हूँ रून रीडिंग के लिए। जो भी सीखना चाहते हैं वो सीख सकेंगे। तो ये रून जो है ये बहुत इंट्यूटिवली आपको बता देते हैं कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। टैरो की तरह रून रीडिंग भी एक तरह से एक स्पिरिचुअल टूल है, और इस स्पिरिचुअल टूल से भी आप बहुत अच्छी प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ किसी के लिए देख सकते हैं, बहुत सी एडवाइजेस ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इन दोनों में से एक रून जो है वो सिलेक्ट करना है। ये टाइगर आई रून है दोनों, और दोनों में सिंबल है। यहाँ पर देखिए, मुझे लगता है आपको नजर आ रहा होगा कुछ बी लाइक सिंबल है, इसे बकाना रून कहते हैं। यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कुछ एफ लाइक सिंबल्स हैं, इसे फेहू रून कहते हैं। तो आपको दोनों में से एक रून को चूज करना है जो भी इंट्यूटिवली आपको लगता है कि आपसे रेजोनेट हो सकता है। उसके बाद मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करूंगी। तो आप अपना टाइम लीजिए और दोनों में से जो लगता है कि आपको चूज करना चाहिए आप उसे चूज कर सकते हो। इससे पहले कि आप इसे चूज करें, मैं आपको और इन्फॉर्मेशन भी दे देती हूँ। हमारा नया चैनल बुद्धास विजडम, जिस पर आप बहुत ज्यादा लाइक कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग उसे देख रहे हैं और आप लोग सराह भी रहे हैं, आपको अच्छा भी लग रहा है वो चैनल, तो आप लोगों को वो जरूर देखना चाहिए। उसमें मैंने आपके लिए बहुत सी स्टोरीज क्रिएट की है। जो महात्मा बुद्ध की कहानियां हैं ये आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकती है। ये मैंने चैनल इसीलिए शुरू किया है, अगर आप टीचिंग्स लेना चाहते हैं, अगर आप लेसन्स लेना चाहते हैं, तो वहां पर जाइए, उन कहानियों को सुनिए, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में वो आपकी बहुत मदद करने वाली है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कीजिए वीडियो को और शेयर भी कीजिए, ताकि बाकी लोगों का भी कुछ भला हो सके। आपके थ्रू और वीडियोज के थ्रू सभी लोगों का भला हो और कहीं ना कहीं उनकी लाइफ भी बदल जाए। अब मैं एक और बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जो है टैरो रीडिंग कोर्स को लेकर। तो टैरो रीडिंग का कोर्स 10th ऑफ नवंबर से शुरू हो रहा है बहुत जल्द, और आप लोगों को जल्दी से अपना एनरोलमेंट करना है। आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस मुझे बाद में मिलते हैं कि कब शुरू होगा, कैसे शुरू होगा, तो बाद में मेरे पास टाइम नहीं रहता है कि मैं आपको ऐड करूं उसमें, क्योंकि सिलेबस आगे निकल चुका होता है। तो हमारा एक टाइम फिक्स होता है जिसमें हम सब ग्रुप को शुरू कर देते हैं, तो वो टाइम 10th ऑफ नवम्बर को है। अगर आप अपना एडमिशन लेना चाहते हैं तो जल्दी से लें और टैरो सीख कर आप आगे बढ़े। टैरो स्पिरिचुअल टूल है जिसमें आप खुद से रीडिंग कर सकते हो, खुद से अपनी आने वाली जो डेस्टिनी है उसके बारे में जान सकते हो, जो आने वाला भविष्य है उसके बारे में एडवाइजेस ले सकते हो, आप गाइडेंस ले सकते हो। जहां पर आप स्टक हो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या रास्ता आगे क्लियर है, कहां पर आप स्टक हो, तो बहुत सारी चीजें हैं जहां पर आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज की रीडिंग का टॉपिक, जो हमारा टॉपिक है क्या मैसेजेस हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से, क्या गाइडेंस है ताकि मैं आपको बता सकूं। तो यहाँ पर मैं इसको साइड पे कर रही हूँ और हम इस रून की बात करेंगे जो पाइल नंबर 1 है, बकाना रून। देखते हैं कि आपके लिए क्या है। यहाँ आज मैं इन कार्ड के साथ रीडिंग करने वाली हूँ। यहाँ पर आज मैं कोई और कार्ड्स नहीं लूंगी, ये मैसेजेस कार्ड है, एंजल मैसेजेस कार्ड है। तो देखेंगे यूनिवर्स का आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, ये कार्ड अपने आप पॉपअप हुआ है, एस ऑफ एक्शन। नेक्स्ट है टू ऑफ इमोशन, और इसके साथ है 9 ऑफ इमोशन। एक और कार्ड में लेकर देखना चाहती हूँ, अ हैप्पी चेंज। ओके ग्रेट, तो ये है आपके कार्ड्स। तो मैसेजेस क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। एस ऑफ एक्शन बता रहा है कि बहुत जल्द आप कुछ स्टार्ट करने वाले हो, कोई एक्शन लेने वाले हो, किसी काम को लेकर आपकी कोई विश थी उसे पूरा करने के लिए आप बहुत बड़ा एक्शन लोगे, बहुत जल्द ही एक्शन होगा। टू ऑफ इमोशन यहाँ पर बता रहा है कि आप किसी के साथ मिलोगे और एक नया रिश्ता स्टार्ट होने वाला है। आप किसी के साथ अपनी अटैचमेंट शो करोगे, अपनी केयर शो करोगे, किसी को प्रपोज कर सकते हो। बहुत ज्यादा अच्छे कार्ड्स निकल कर आए हैं। तो ये यूनिवर्स का आपके लिए खास संदेश है कि जो होने वाला है वो बहुत हैप्पी चेंज होगा। उसके लिए आपको डरने की, घबराने की और किसी भी तरह से चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए सब कुछ अच्छा होने वाला है। 9 ऑफ इमोशन आपको बताता है कि आप बहुत सेटिस्फाइड होने वाले हो, क्योंकि आपकी विशेष पूरा होने वाली है। आप में से जो लोग भी मैनिफेस्ट कर रहे थे कुछ ना कुछ,
आपकी विशेष जरूर पूरा होगी। अगर आप कोई टेक्निक फॉलो कर रहे थे तो वहां पर भी आपको सक्सेस मिलेगी। आपके लिए चेंज बहुत हैप्पी चेंज होगा। और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है जॉब के मिलने के चांसेस भी हैं, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप के अच्छा होने के चांसेस दिख रहे हैं, कुछ लोग रीयूनियन में आएंगे और कुछ लोगों के लिए एक सेटिस्फेक्शन का फीलिंग आएगा। जैसे होता है कि फुलफिलमेंट हो जाना, किसी भी बात की जब फुलफिलमेंट हो जाती है तो एक डिफरेंट चेंज आपकी लाइफ में आ जाता है। आपको लगता है कि अब जिंदगी ने सब कुछ दे दिया है, अब और कुछ नहीं चाहिए, तो वो फीलिंग आपको जरूर रहेगी आने वाले कुछ ही दिनों में। ये आपको साफ साफ मैं बता सकती हूँ, क्योंकि ये चेंज जो है, ये सर्कल जो है, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा घूमने वाला है। योर एंजल हैव हर्ड योर प्रेयर्स एंड हैव बॉन्डेड टूगेदर टू क्रिएट रियल and joyful changes in your life. Event begin to move forward and great progress will now be possible. You may need to make some rapid decisions due to the suddenness of activity. Be confident and trust the guidance you receive. तो यहाँ पर ये आपके लिए message है कि आप बहुत quickly कोई decision लेने वाले हो, क्योंकि आपने कुछ start किया है जिसके वजह से आपको कई बड़े बड़े decisions लेने पड़ेंगे, और ये डिसीजन आपके अच्छे के लिए होंगे, ये कोई बुरे के लिए नहीं होंगे। ये सभी डिसीजंस आपकी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए होंगे और वो बदलाव अच्छे की तरफ जाएगा। तो ये है यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए। टू ऑफ इमोशंस आपका बताता है कि आप किसी के बहुत क्लोज आने वाले हो, किसी से बातें शेयर करोगे, प्यार की बातें शेयर कर सकते हो, किसी से कोई गिफ्ट शेयर भी कर सकते हो। यहाँ पर ये भी मुझे साफ साफ नजर आ रहा है। तो पाइल नंबर वन, अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं ना, तो ग्रेटिट्यूड करना मत भूलना, क्योंकि सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, कुछ भी इसमें बुरा नहीं है। जो आपको किसी से छुपाना है या जो आपको किसी से बात करने में हिचकिचाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ क्लियर है, सॉर्टेड है, सब कुछ अच्छा है। तो चिंता मत कीजिए किसी भी तरह की। जो भी चीजें अटकी हुई है ना, वो भी धीरे धीरे क्लैरिटी की तरफ ही बढ़ेंगी। आज का मैसेज यही है आपके लिए कि यूनिवर्स आपसे खुश है, और अगर आप भी उनको ग्रेटिट्यूड देते हो, अगर आप भी उनको मानते हो, तो आपको जरूरी है कि थोड़ी देर के लिए बैठकर ध्यान करना और उनको इसके लिए धन्यवाद देना, थैंक्स करना उनका, जिसने आपको इतना कुछ दिया है। तो जो भी आपके पास छोटी छोटी खुशियां हैं ना, उनको भी लेकर चलना कि आपको इतना कुछ मिला है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड जरूर कर दें। आपके लिए जो चेंजेस आएंगे वो बहुत अच्छे होंगे। आप अपने लेसन्स को सीखकर आगे बढ़ चुके हो और लाइफ में काफी ग्रोथ आपकी होने वाली है। आपको बहुत अच्छे मैसेजेस मिलने वाले हैं, आपके ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं, आपका लक आपका साथ देगा। जहां भी आप जाएंगे वहां पर लक आपका साथ देगा। तो ये रीडिंग बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग थी आपके लिए। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू। अब है हमारे पास हमारी नेक्स्ट पाइल, यानी कि फिहू रूम। देखते हैं कि आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेज है, आपके लिए फिहू क्या बता रहे हैं। देखते हैं एंजल कार्ड से, आज मैं इन्हीं कार्ड से रीडिंग करने वाली हूँ। देखते हैं क्या निकल कर आता है, एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, देखते हैं यूनिवर्स का आपके लिए क्या संदेश है। तो इन कार्ड्स के साथ देखते हैं कि यूनिवर्स का आपके लिए क्या संदेश है और क्या आपके लिए निकल कर आया है। हेल्पर ऑफ अबंडेंस, ओके। यहाँ पर है टू ऑफ इमोशन, ग्रेट। हैप्पी चेंज, ओके। एक और कार्ड मैं लेकर देखना चाहती हूँ। नाइन ऑफ अबंडेंस, ओके। यहाँ पर दो कार्ड्स हैं, मैं दोनों ही लूंगी, टेन ऑफ अबंडेंस एंड नाइन ऑफ अबंडेंस। तो भाई आपके लिए बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो अच्छे आएंगे। यहाँ पर देखिए दोनों ही कार्ड्स की रीडिंग काफी सिमिलर है, पर यहाँ पर इमोशंस कम है और अबंडेंस ज्यादा है। वहां पर जो पाइल नंबर वन में मैंने बात की थी, वहां पर इमोशंस ज्यादा थे और अबंडेंस कम थी। हालांकि वो इमोशनल अबंडेंस ज्यादा थी, पर यहाँ पर भी चेंजेस जो है वो बहुत अच्छे आने वाले हैं। इसमें आपको कहीं भी, कहीं भी, किसी भी जगह पर जाकर डरने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई काम करना, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ करना, क्योंकि नाइन ऑफ अबंडेंस है, टेन ऑफ अबंडेंस है, हेल्पर ऑफ अबंडेंस है। तो अबंडेंस ही अबंडेंस आपके आसपास दिख रही है। आप इस टाइम पर जिस किसी भी सिचुएशन में हो, बहुत जल्द उससे बाहर आओगे। अगर आप कहीं स्टक हो, कहीं फंसे हुए हो, कोई चीजें समझ में नहीं आ रही है, कोई चीज ऐसी है जहां पर आप रुके हुए थे कि अभी नहीं मुझे कहना है किसी से कुछ भी, अभी मुझे प्रपोज नहीं करना है, अभी मुझे सोचना है, तो आप कर सकते हैं। अब आपके लिए दरवाजे खुल चुके हैं, पोर्टल्स खुल चुके हैं। आप
कर सकते हैं अगर किसी को प्रपोज करना चाहते हैं। आप उनको बहुत देर से देख रहे थे, टेस्ट कर रहे थे, आप जाना चाहते थे उनके पास और उनको बोलना चाहते थे कि आपको वो अच्छे लगते हैं या अच्छी लगती हैं, तो अब आप उनको बोल सकते हो, आपके लिए दरवाजे खुल चुके हैं। यहाँ पर आपके लिए ये भी मैसेज है कि अगर आपको अबंडेंस के लिए या आपको अपने काम के लिए, करियर में कोई हेल्प की जरूरत है तो आप हेल्प जरूर ले लें। हेल्प से हिचकिचाए बिल्कुल भी नहीं। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं क्यों किसी की हेल्प लूं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे आसपास ही कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी हेल्प लेने से चीजें बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाती हैं, तो हमें किसी की हेल्प लेने से बिल्कुल भी घबराना नहीं है और ना ही अपनी ईगो को आगे लेके आना है। आपको ये नहीं सोचना कि मैं इसकी हेल्प क्यों लूं। ईगो को बिल्कुल भी आगे नहीं लेकर आना। जितना आप ईगो को अपने आप से दूर रखोगे ना, उतना ही ज्यादा अच्छा होगा और उतना ही जल्दी आपकी जो सिचुएशन है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। अगर आप कहीं स्टक हो, फंसे हुए हो, समझ में नहीं आ रहा, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आ रही है, तो किसी की हेल्प ले लेना। वो आपको पता है कि कौन है जिसकी आप हेल्प लोगे और वो आपकी हेल्प कर भी देगा। वो आपके आसपास ही कोई होगा जो आपको नजर आ रहा है, आपको पता भी है और आपको बस एक स्टेप आगे लेना है, तो वो भी आपकी हेल्प के लिए ना पूरी तरह से आपकी मदद करेगा। दूसरा है टू ऑफ इमोशन। तो किसी के साथ रिलेशनशिप को लेकर तो बहुत क्लोज आने वाले हो आप, अपनी बहुत सारी चीजें शेयर करोगे उनसे, कोई गिफ्ट भी शेयर करोगे और इसके साथ साथ इमोशंस भी शेयर होंगे। हैप्पी चेंज आएगा आपकी लाइफ में। जो प्रेयर्स हैं आपकी, जो आपने मांगा है, जो आपने प्रार्थनाएं की हैं, वो सफल होने वाली है। आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी और ये खुशियां आपको जरूर मिलेंगी। बहुत सारे लोग फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, फैमिली के साथ रहेंगे। कुछ लोगों के लिए घर परिवार में भी खुशी आ सकती है। यहाँ पर मैं ये भी साफ साफ देख रही हूँ जिसकी वजह से आपको बहुत हैप्पीनेस मिलने वाली है। कुछ लोग दादा दादी बनने वाले हैं, कुछ लोग माता पिता बनने वाले हैं, तो हर घर में कोई ना कोई खुशी यहाँ पर मुझे आती हुई दिख रही है। पायल नंबर टू, अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं तो ऐसी खुशखबरी भी आपको जरूर मिलेगी जहां पर दो लोग एक होंगे और कोई ना कोई गुड न्यूज, कोई ना कोई खुशखबरी आपके घर में जरूर आएगी। नाइन ऑफ अबंडेंस, टेन ऑफ अबंडेंस, दोनों ही बहुत खूबसूरत एनर्जीज हैं। पारिवारिक खुशी कोई ना कोई आपके घर में आ सकती है। शादी हो सकती है, कोई सेरेमनी हो सकती है, सेलिब्रेशन हो सकती है, आप गेट टुगेदर कर सकते हो, किसी के साथ मिलकर कोई पार्टी रख सकते हो। तो यहाँ पर पार्टी 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 मुझे बहुत नजर आ रही है। अगर आपके घर में भी ऐसी कोई सेलिब्रेशन हो रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना कि यूनिवर्स का जो ये मैसेज है, जो ये कॉल है, क्या आपके पास भी वो कॉल आई है, क्या आपने वो कॉल उठाई है, क्या आपके घर में सेलिब्रेशन हो रहा है, तो ये मुझे जरूर बताना आप कमेंट करके। क्योंकि कमेंट जब आप करते हो ना तभी पता चलता है कि कॉल्स आप ले रहे हो, रिसीव कर रहे हो, यूनिवर्स की बात सुन रहे हो, ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो जब तक आप कमेंट नहीं करते मुझे नहीं पता चलता, इसलिए कमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसे एंजॉय करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, आप रिसीव करना खुली बाहों के साथ, खुले दिल के साथ, खुली खुशियों के साथ, ताकि आपको जो खुशियां मिल रही हैं आप उन्हें समेट लें। जब आपकी झोली खुली होती है ना तो खुशियां अपने आप उसमें आके गिरती हैं और आप रिसीव जब करते हो तब यूनिवर्स आपको खूब भर भर के देता है। तो यहाँ पर भी मुझे यही लग रहा है। यहाँ पर इकोनॉमिकली आप काफी अच्छा होने वाले हो, ग्रोथ होने वाली है आपकी। अगर आप करियर में कुछ ऊंचाइयां छूना चाहते थे तो वो ऊंचाइयां भी आपको मिल सकती हैं। प्रमोशन कुछ लोगों के लिए हो सकता है। तो जो जो पाइल नंबर टू तक पहुंचे हैं आपके लिए अबंडेंस बहुत अच्छी मुझे नजर आ रही है और खास तौर पर आपके करियर में ग्रोथ ज्यादा नजर आ रही है। स्टेबिलिटी आपको करियर में मिलने वाली है। अभी तक जिन लोगों को ऐसा लग रहा था कि करियर स्टेबल नहीं है, आपको चेंज करना है, आपको इधर जाना है उधर जाना है, तो वहां पर मुझे स्टेबिलिटी मिलती हुई काफी ज्यादा नजर आ रही है। तो आपको भी ग्रेटिट्यूड देना है क्योंकि भगवान आपको बहुत कुछ दे रहे हैं और अगर आपको बहुत सारा कुछ मिल रहा है ना तो ग्रेटिट्यूड कभी मत देना भूलना। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।